सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो माहवारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये अगर अभी भी इस हाल में जिंदा है तो जरूर किसी के प्यार की ताकत ने जिंदा रखा है, या फिर किसी की दुआओं ने रखा होगा। हे बेबी, देखने में तो बड़ा नाजुक लग रहा है। बहुत स्मार्ट लग रहा है ना ये। तुम जैसे लोगों को हीरो बनने की चाहत होनी चाहिए। लेकिन तूने मुझसे टकराने की हिम्मत की, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया। प्यार मोहब्बत का ड्रामा, आई डोंट लाइक इट। प्यार मोहब्बत से अगर तू मान जाता तो शायद मैं छोड़ देता। पब्लिक के सामने तूने ड्रामा क्रिएट किया। गीता को प्रपोज किया ना, मैं उससे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और तूने उससे कहा कि तू मेरी गीता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है। नहीं, सच में तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है? नहीं, मुझे नहीं पता था। ए, कोई बात नहीं, बी कूल। मैं तुझे 2 चांस देता हूं,
तू उसमें से एक सिलेक्ट कर लेना, तुझे जान चाहिए या फिर मौत चाहिए, बोलना ब्रदर। ये मेरी तरफ से लास्ट चांस है, जैसा तू जवाब देगा मैं उसके बाद डिसाइड करूंगा कि कितना दिन तू जिएगा, क्या बोलता है? हाँ? मुझे जाने दो सर। अरे पागल, तूने मौत सिलेक्ट कर लिया, तू बच सकता था, अगर जान चाहिए बोलता तो मुझे बहुत दर्द होता। मारने की फीस मैं ज्यादा लेता हूं, लेकिन तुझे मैं फ्री में मारूंगा। नहीं सर, नहीं सर। जो तूने मांगा वो मैं तुझे देना नहीं चाहता था, जो बोला मैं वो कर दूं, मैं इतना शरीफ भी तो नहीं हूं। प्यार कभी किसी को खाना नहीं देता, लेकिन वो किसी को जिंदा भी तो नहीं रहने देता। तूने किसी लड़के को मार दिया क्या? क्या बात है, ये बात तुझे बहुत जल्दी पता चल गई। छोटा बच्चा था, स्टूडेंट था। स्टूडेंट था? ए, बाहर पता चलेगा ना तो बात बहुत बढ़ जाएगी। बात छोटी हो बड़ी हो क्या फर्क पड़ता है, संभालने के लिए तू है ना। चल फोन रख, किसी ना किसी दिन ये जरूर मरेगा। पूरे बैंगलोर में गीता को प्यार करने वाला मेरे सिवा कोई भी नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये पकड़ तेरा फाइन। काय का चलान है सर? हेलमेट है क्या? ये दिख नहीं रहा है क्या सर? आरसी बुक है क्या? वो भी है। लाइसेंस है क्या? हाँ है। तो इंश्योरेंस? गाड़ी का चाहिए या मेरा चाहिए? ज्यादा बात मत कर, जितना पूछता उतना जवाब दे। सीट बेल्ट लगाया क्या? बाइक में कौन लगाता है सीट बेल्ट सर? फास्ट आके ब्रेक मारेगा तो बस के नीचे नहीं आ जाएगा, इसीलिए बेल्ट लगाते हैं। चल पैसा निकाल। क्या मजाक है, ये सब फैसिलिटी इसमें मिलती है क्या सर? तो बना ले, चल पैसा निकाल। दिमाग चटवाने से अच्छा इसको पैसा दे दूं। चलो चलो सर बाहर निकलो, आओ। हां बाहर। हां ये पकड़। नेक्स्ट, जल्दी पीयूसी पेपर लाया क्या? क्या सर? पीयूसी पेपर लाने को बोला ना। गवर्नमेंट के रूल में कहा है सर? वाह 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 वाह, गवर्नमेंट का रूल पढ़ लिया क्या? हेलमेट कहाँ है? कार में कोई हेलमेट लगा के चलाता है क्या? चाहे कहीं भी हो, हाँ, लेकिन नियम सबके लिए एक है। पैसा निकाल। पैसा मेरे पास नहीं है सर। कार में चलता है लेकिन पैसा नहीं है तेरे पास? मेरे पास क्रेडिट कार्ड है सर। क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है। चल कार्ड निकाल। कहाँ इस्तेमाल करोगे? कहाँ इस्तेमाल करना हमको सब मालूम है। चल कार्ड निकाल। पीसी? यस सर। ये ले, इसको स्वाइप करके। हाँ सर। 1000 रुपीज मार ले। ओके सर। 1000 रुपीज क्यों? कार है ना भाई, बहुत कॉस्टली है। फिर मेरा कार्ड? वहाँ जाके ले लेना। मेरा दिन ही खराब है, कहाँ से कार लेके निकला। क्या हुआ, कोई फंस क्यों नहीं रहा है? मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ सर। अरे डार्लिंग, जो तुम कल नेकलेस देख के आई थी ना, वो कितने का है? 1 लाख का डाली। 1 लाख रुपए का? अरे यार, अभी तक इतना कलेक्ट नहीं कर पाया, इतना कलेक्शन करने के लिए मुझे 1 महीना और बिल फाड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा चीप वाला देखना। ले लो ना। ए, यहाँ मैं खड़े खड़े मर जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो वहाँ का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? हाँ, चल बात मत कर, फोन रख। लगता कोई बकरा गया, तू फोन रख। सर सॉरी सर, मैं गलती से आपसे टकरा गया। है, कार नहीं है, बाइक नहीं है, फिर भी तू आके सीधा मेरे से टकरा गया। वी आर वेरी हैप्पी। चल फाइन दे। सर लेकिन मेरी गलती तो बताइए, मैं फाइन क्यों भरूं? क्या बात है, तू मुझसे गलती पूछेगा? बिना मुझे फाइन दिए यहाँ से आगे कोई जा नहीं सकता। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। चल निकाल। ये क्या, कार का एक रेट है, बाइक का एक रेट है, तू चल के आके टक्कर मारा ना, इसलिए डबल रेट है। चल चल जल्दी निकाल। क्या माल है, जल्दी उठा ले। ए, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? चल निकल। क्या कर रहे हो? अरे स्टॉप सर, कोई मुसीबत में है, जाने दीजिए। तो चलो उससे भी फाइन लेता हूँ, चल जल्दी। ओके। हेल्प।
कितना स्लो चलाता है बे, तू बैलगाड़ी चला रहा है कि कार चला रहा है, जल्दी चला। अच्छा ऐसा क्या, तो आप देखिए सर बस स्पीड को देखते रहिए। क्या बात है, हाँ पकड़ा स्पीड तूने। क्या बात है, और स्पीड से भगा, मुझे उन सबसे फाइन लेना है। इससे स्पीड भगाऊंगा तो स्पीड मीटर फट जाएगा सर। तो फटने देना। अरे अबे गाड़ी इतनी हिल क्यों रही है? आप ही ने तो बोला था ना सर। अरे अरे गाड़ी रोड पे तो है ना, दे 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 दे। अबे संभाल के। अरे दे 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 दे, ये क्या कर रहा है? सीट बेल्ट बांध लीजिए। सीट बेल्ट है कहाँ पे? अगर सीट बेल्ट नहीं है ना तो अपने ही बेल्ट से बांध लीजिए। अरे पैंट तो ठीक से बनती नहीं, मैं अपने आप को कहाँ से बांध पाऊंगा? अरे सर यहाँ पर जान निकली जा रही है और आप है कि पैंट संभालने की बात कर रहे हैं, कमाल है सर। अरे अरे को लिया मैंने, चलो चलो कुछ तो जुगाड़ हो गया, आज लगना नहीं बचूंगा। अरे अरे सर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए ना। अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो पक्का मैं नहीं बचूंगा। Leave me, please. Yeah. अबे तुम लोगों से फाइन लेना, इतना रफ गाड़ी क्यों चलाते हो? तुम लोग फाइन नहीं दोगे? निकालो मेरा फाइन। अरे फाइन। क्या बे, तू हीरो की तरह मेरा पीछा कर रहा था? क्या उखाड़ लेगा बता ना। मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये हीरो की तरह इतना बिल्डअप क्यों मार रहे हो तुम? बताओ ना। समझ न मुझको ऐसा वैसा, समझ न मुझको ऐसा वैसा।
देखना मुझको ऐसा वैसा करूंगा तेरा पीछा अपनी धुन में मस्त हूँ यारो अपना सिंपल फंडा रप्पा in the front for the people on the side for the people on the front whoa खाने के लिए ही आया हूँ। अच्छा बता तो तुझे क्या चाहिए? तुम्हारे होटल में जो सबसे अच्छा बोले क्या? बच गया साला। मैडम, तुम्हारी इडली तो बहुत अच्छी है। हाँ, कितनी अच्छी है ये बिल भरने के बाद तुझे पता चलेगा। क्या जवाब दिया डार्लिंग ने? हाँ? ये क्या, दो इडली का 200 रुपया लगाया? हाँ, कब से ताक रहा था ना, उसका एक्स्ट्रा है। कहाँ किरण उठ गया क्या? जिसको देखना चाहिए वो तो देखता ही नहीं। आपको तो पता ही है, अभी तक वो उठता ही नहीं। अजीब लड़का है वो, मुझसे नहीं उठेगा। जा बेटा, जल्दी से स्नान कर ले और नए कपड़े पहन करके आना। कपड़े पहन के आ जाऊं? हाँ। हे भगवान, तुम फिर से भूल गए क्या भैया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। पता नहीं भगवान ने तुम्हें अप्रैल फूल के दिन ही पैदा क्यों किया। ओह, ओके ओके, मतलब आज मेरा बर्थडे है ना। लाओ 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 लाओ। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जी तो रे बेटा, बहुत तरह की पिताजी।
ए, तुम खाओ या मैं खाऊं, बात तो एक ही है ना भैया, मैं तुम्हें विश करती हूँ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तेरे लिए सरप्राइज। वाह सुपर पिताजी। थैंक यू पिताजी, थैंक यू सो मच। किरण इसे काट दो ना। केक ना। ओके। चाकू कहाँ है? वो तो लाना भूल गई। ये तो मेरा चाकू है। चाकू छुपा कर रखते हैं क्या? छुपा के नहीं रखा, अभी तक यूज ही नहीं किया। ए, यूज नहीं करेगा ना तो जंग लग जाएगा। भैया एक राइड करके आता हूँ, बाय। जाना बाय। ए किरण फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठ के जा रहा है, कम से कम मुझे तो ले जाना चाहिए। ए आज तुम्हारा दिन नहीं है, आज उसके पीछे कोई परी ही बैठेगी। इतना बड़ा टेडी बेयर? Yes! इतने बड़े टेडी बेयर की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है ना, इसलिए हमने तुम्हें दिया है। हाँ तो क्या हुआ? तुम रात में अकेली सोती हो ना, इसीलिए सैंडल लगाकर आ रहा हूँ। छी, तुम सबको शर्म नहीं आती क्या? शर्म? और हमें इसका कोई चांस नहीं है मैडम। ठीक है बाबा, अब से मैं इसे अपने पास ही रख के सोऊंगी। क्या बात है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर द सेलिब्रेशन। बाय। आरती ले लो बेटा। मेरी गाड़ी से मरेगा। भाई वो लड़की आके आपका कचरा करके चली गई, आपको गुस्सा नहीं आता क्या? ए ये प्यार है पगले, प्यार, लव एट फर्स्ट टच। भाई क्या कहा, टच? ये कब हुआ भाई? अबे वो मेरा गोल्डन पीरियड था, मैं अपनी डिग्री के जब सातवें साल में था तभी। भाई आप कब की बात कर रहे हो, पढ़ाई करते तो अभी तक आपकी पीएचडी हो जाती। ए, ए, ए। जब मैं अपना फ्लैशबैक याद करूं तो बीच में कूद के डिस्टर्ब मत किया कर। ओके भाई। वंस अपॉन अ टाइम। भाई नई चिड़िया आ रही है, इसकी रैगिंग करते क्या? आ,
ए मोटे, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? मुंह पोछ ले। भाई भाई भाई, आपने अपना मुंह पोछा क्या? ए नो कॉमेडी, नहीं तो काट के रख दूंगा। हाय, वेलकम बॉस, हाउ आर यू? ए गेस्ट आए, चेयर नहीं दे सकते? कोई बात नहीं बॉस, आप आइए ना मेरे पास बैठिए। आइए आइए भाई। मुझे यहाँ तुमने किस लिए बुलाया? वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। डायरेक्ट पॉइंट की बात कर रहे हो। वेरी बिजी बिजी बिजनेसमैन हैं आप, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। इसीलिए मैं भी डायरेक्ट बिजनेस की बात करूंगा। मैंने शहर में जिस प्रॉपर्टी को हड़प के रखा है, सुना है आप उसे खरीदना चाहते हैं। तुमसे मतलब? क्या बॉस, आप इतनी भी बात नहीं समझते। बिजनेस में कोई एक आदमी नीचे जाता है और कोई ऊपर। मैं आपको दो चांस देता हूं, बिजनेस चाहिए या जान चाहिए। अच्छा, तो तुम मुझे बुलाकर धमकी दे रहे हो? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। अरे रे, इसमें पुलिस क्या करेगी बॉस, मुझे ही सेटल करना होगा। बताइए बॉस, आपको क्या चाहिए? अरे बताइए ना बॉस, नहीं तो आपके पास ये चांस भी नहीं होगा। टाइम वेस्ट मत कीजिए, चॉइस क्या है जल्दी बताइए। मैं तो पेन से साइन करवाना चाहता था, बिना काम के गन यूज करवाया। अरे मुझे सुधरने क्यों नहीं देते यार? ठीक है, तुम अपने क्लास में चलो, मैं फीस भर के आता हूँ। भैया मुझे 1000 रुपीज दो ना, मुझे मेरे फ्रेंड्स को बर्थडे ट्रीट देना है। मेरी पॉकेट मनी सारी तुझे देनी पड़ती है। भाई हो तो तुम्हारे जैसा। थैंक यू भैया, बाय। मुझे तो चिल्लर मिल रहा है, सब इसे देना पड़ रहा है। हाँ, भरने के लिए भी पूरे होंगे। लेकिन तू एक काम करना, तू जब मेरे पास आई। यू? मैं जानबूझकर नहीं गिरा। मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर मेरे ऊपर गिरे। अरे नहीं नहीं सॉरी। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर ऐसा किया। गेट लॉस्ट। मैं सॉरी तो कह रहा हूँ ना, सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी। मुझको तेरी बीमारी, सॉरी ओ गोरी सॉरी, उससे मैं और खेले तू छोरी। किया है तू नहीं तू नहीं तू नहीं घायल इस दिल को, जिए कि अब मर जाए। है कोई चुंबक 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 सा तेरा तन बदन, खींचे तेरी ओर मुझे। तुझको धड़ के दिल, बिन तेरे जीना मुश्किल, आजा मेरी बाहों में बनना तू संग दिल। आजा सिखा दूं आशिकी दूरी अब तो नहीं नहीं, दिल मेरा ये रो रहा मान जा जाने जा। तू ही दिल जिगर तू ही जिंदगी, कैसी मजबूरी, आजा मेरी राहों में। चली कहां रे मुझको छोड़ के, ले चल साथ में तड़के दिल तेरे लिए। सॉरी ओ गोरी सॉरी, देना मुझको तेरी बीमारी, सॉरी ओ गोरी सॉरी, उससे मैं और खेले तू छोरी।
चल मैं तुझे कहीं ले चलूं, दिल जो चाहे वो करूं, हाँ कर दे तू जान जा, दिल को ना तरसा। चल मैं तुझे कहीं ले चलूं, दिल जो चाहे वो करूं, हाँ कर दे तू जान जा, दिल को ना तरसा। अरे मान जा मान जा, चल परे दिल को ना तू जला, क्या मैं करूं तू बता। लड़ जाऊंगा तेरे लिए दुनिया से, क्यों ना तू माने, कह दे बस तू है मेरी। सॉरी ओ गोरी सॉरी, देना मुझको तेरी बीमारी। सॉरी ओ गोरी सॉरी, उससे मैं और खेले तू छोरी। किया है तू नहीं तू नहीं तू नहीं घायल इस दिल को, चाहिए कि अब मर जाए। कोई चुंबक 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 सा तेरा तन बदन खींचे तेरी और मुझे। कौन हो तुम? क्यों इस तरह मुझे इरिटेट कर रहे हो? कूल कूल। अरे मैडम, गलती हो गई मैडम, माफ कर दो मैडम। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी। ओह नो, गो गो जस्ट गो। सॉरी 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 सॉरी। सो डिसगस्टिंग, मैंने तुम्हें ज्यादा ही इरिटेट कर दिया ना। आई हेट यू मैन, आई हेट यू। ओ गॉड, चिल। ए ऋषि, तुम मेरा मूड क्यों खराब कर रहा है? तुम्हारा मूड मैंने खराब किया क्या? आई नो, इधर ला। क्या हो गया गीता, तू इतना नाटक क्यों कर रही है? आज मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ छोटू। कौन है वो? वो बहुत बड़ा पागल है। पागल? क्यों, क्या हुआ? लव स्टोरी किसिंग तक पहुँच गई क्या? अरे मैंने जानबूझकर थोड़ी किया, जो हुआ वो एक्सीडेंटली हो गया। सब कुछ ना एक्सीडेंट से ही शुरू होता है। पर बताओ, तुम गीता से ही प्यार करते हो ना? मैं जानती हूँ। ए ये बात पिताजी को मत बताना। हाँ उतर नीचे। क्या किया बे तूने? मैंने क्या किया? तूने क्या किया तुझे पता ही नहीं? इसलिए तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि मैंने किया क्या। तूने मेरी गीता को किस कैसे किया? हाँ? तेरी गीता? यस गीता, मेरे सर में, दिल में, बाह में, पूरे शरीर में वो ही रहती है। अगर बीच में आया ना, काट के रख दूंगा। क्या किया बे तूने? खुद देख ले। कब से कट कर दूंगा कह रहा था, इसने तो मेरी अर्थिंग काट दी। देख ले, इसका काम हो जाना चाहिए। बॉस, मैंने जिस भी केस को हैंडल किया, अभी तक कोई भी केस फ्लॉप नहीं हुआ। ज्यादा बिल्डअप मत मार, काम करके दिखा। बॉस, पहले कैश निकालो, उसके बाद राय देना। हैं? बस इतना दे रहे हो? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? बॉस, सर समझा करो बॉस। नंदू इंटरनेशनल रेंज का आदमी है। पहले जो काम दिया है वो करके दिखा, तेरा रेंज क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा। भाई, यही हो म्युनिसिपल कमिश्नर है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम जो बिल्डिंग बना रहे हो वो बिल्डिंग इलीगल है। जब तक पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती, मैं इस बिल्डिंग को क्लियरेंस नहीं दूंगा। और अगर फॉर्मेलिटीज में देर लगाई तो बिल्डिंग को डेमोलिश कर दूंगा। ओके बॉस। ले ले,
मुझे क्या घुसखोर समझा है? मैं परमिशन के लिए कमीशन नहीं लेता। फालतू में बात मत बढ़ा, चल ले ले। ऐसी आवाज में बात करेगा ना तो ये बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी। बॉस बॉस अभी नहीं बॉस, इसको मैं देख लेता हूँ। आप रुको सर, गुस्सा मत होइए, आप जो बोलेंगे वही होगा। ये तेरा लास्ट चांस है। देख जग्गू, ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं है। लेकिन लैंड ओनर तो अपन के साथ है ना भाई। ओ भूल गया था, लेकिन वो तो मुझसे नफरत करती है और उससे लैंड पेपर मांगेगी तो देगी क्या? थोड़ा प्यार से बात करके तो देखो। हेलो। हे गीता, तुम हो? अब क्या काम है? नया ड्रामा? नई बात नहीं है, पुरानी बात है। अपनी शादी की बात अभी कहाँ तक पहुँची? शादी? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना, तो तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? हाँ मुझे तुम्हारी पसंद से कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ए, 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 ए। प्यार से समझा रहा हूँ तुझे, तुझे समझ में नहीं आता है? और किसी से प्यार करती है क्या? हाँ? और कितने को मरवाएगी? हाँ? बताना, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, जानती है ना। कहाँ हो यार? देख भाई, लेट होगा तो पार्टी में नहीं जा सकते, इसलिए बोल रहा हूँ। एक घंटा लगेगा। कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से आओ, मुझे मेरा टाइम पास मिल गया है। बाय। रवि जरा उस लड़के को देखो ना, मुझे लगता है उस लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है। ये तो इस उम्र में कॉमन बात है। चलो उसकी हेल्प करते हैं। कहाँ जा रही हो? सुनो। हाँ? वो जो लड़का वहाँ बैठा है वो सिर्फ तुम्हें ही देख रहा है। ये मुझे उंगली दिखा के क्या बात कर रही है? जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा है ना, मुझे लगता है वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता है। लगता है कुछ सेटिंग कर रही है। अच्छा बताओ आप लोग कौन हो, उसकी तरफ से आए हो? ऐसी बात नहीं है। तो फिर वो तुम्हारा क्या लगता है? वो भी हमारा कुछ नहीं लगता, हम दोनों बस प्यार को एनकरेज करते हैं। बट आई डोंट एनकरेज दीस काइंड ऑफ पीपल। सुनो, प्यार में पड़ने से पहले लोग ऐसी ही बातें करते हैं। जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा है ना, मुझे लगता है उससे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारा तो। हेलो हेलो, अरे यार नेटवर्क नहीं मिल रहा है, आज तो ये बहुत ही डेंजर लग रही है। अरे क्या हुआ छोटू? बोलो क्या हुआ, बोलना। ए, कौन है तू? मेरा नाम किरण, एज 22, क्वालिफिकेशन BA। नहीं जानता ना, धीरे धीरे तुझे मैं सब बताऊंगा। समझ गया भाई, सब समझ गया, थोड़ा साइड में हो जाना। अरे रुको बॉस, अभी अभी तो डिस्कशन शुरू हुआ है। तूने कितनी पढ़ाई की है? 1-2। और तूने? AB। वाह 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 वाह, वेल एजुकेटेड लगते हो यार। छोटू इधर, क्लासरूम से भगाकर इस बेचारे को लॉन्ग रोड पर इतना दौड़ा रहे हो, ये तुम्हें सूट करता है क्या? ये क्या भाई, इतना पका रहा है, बोरिंग है, सोच क्या रहे हो, मारो इसको। टेंशन मत ले छोटू, मैं तेरे साथ हूँ ना, लेकिन कंडीशन अप्लाई। ह्यूमैनिटी और इंसानियत ना हो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये किरण। दिमाग मत करो। भाई आपने मेरे गोदाम पे क्यों मारा भाई? अबे जब तू अपनी पत्नी के पास जाएगा तो तुझे ये मार याद आएगी, इसलिए वहाँ मारा। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? ए, इसने तो हमारा पहला काम ही खराब कर दिया, इसे हमारे यहाँ से बचना नहीं चाहिए। ए, चलो ना इसको काट के रख देंगे। ऋषि, अच्छा तीन लोग आए थे क्या? हाँ भैया। दो है, बाकी एक का है? लगता है पीछे रह गया। कमाल है, पीछे ही रह गया क्या? अब बैठ के तमाशा देखता रहे। ठीक है भैया। लोग ही क्या, लो ना, अब हट, अब हट, अरे किस काम के लिए आया और क्या कर रहा है? जरा अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर। चल।
अरे मार दिया रे, क्या करूं? अब तो खाना कैसे मिलेगा? बेचारा, तुम लोग खाने के अलावा और कुछ जानते नहीं हो क्या? लेकिन कोई चिंता मत करो, ये खंबा थोड़ा थोड़ा हिलते रहेगा, ओके ना? टेक रेस्ट। कहाँ चला गया वो, देख नहीं रहा है? ओए! ए, 100 मीटर दौड़े नहीं कि इतना हाफ रहे हो, मुझे चेस करना पड़े तो क्या होगा, पकड़ ही नहीं पाओगे? वेस्ट बॉडी है तुम दोनों की। मेरी बॉडी को वेस्ट बोल रहा है जॉनी? जॉनी तू जरा इसको संभाल, मैं इसे धार लगा करके आता हूँ, समझा ना? अब इसको क्या करूँ मैं? दिखने में तो अच्छा लग रहा है, कहीं भी डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे बताओ तो कहाँ डालूं? वो वहाँ जो बैठा तड़प रहा है ना, बहुत अच्छा टिप्स देगा वो। ऐसा क्या? जल्दी जा, जा 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 जा। और एक कहाँ चला गया? अरे यार मैं तो सुधरना चाहता हूँ, ये मुझे सुधरने नहीं दे रहा है। अरे यार ये जाता क्यों नहीं? ए पागल। सर आप सुबह सुबह से क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? क्या आप मुझे जानते हैं क्या सर? लेकिन मैंने तो आपको कभी इस एरिया में देखा ही नहीं है। आज तो तू दिख गया, लेकिन आइंदा से कभी दिखना भी मत। जा ना। अच्छा ये बता, छोटे बच्चे पर अटैक करने की क्या जरूरत? मैं सर इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो उसके कहने पर किया। कौन? अरे वो क्या जो सामने खड़ा है? दीदी दीदी दीदी। हाँ ऋषि, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? दीदी ए, कौन है बे तू? ए, हाँ बे तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? उस छोटे बच्चे पर अटैक करने की क्या जरूरत थी? उसने भी तो मेरे छोटे भाई को मारा, जब वो मार खाएगा ना तब उसे पता चलेगा कि उसने पंगा किससे लिया है। स्टोरी में ट्विस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं लगा। अगर दम है तो डायरेक्ट मारना, वरना घर में जाके चुपचाप बैठ जा। क्या हुआ गीता, आज बहुत रोमांटिक मूड में दिख रही है, कौन है वो बता, कौन है वो बता ना गीता? जिसने तुझे बचाया ना वही पागल। आखिर में तू उसके जाल में फंसी गई है ना? ओके एक बात बता, वो भी क्या तुझे सच में प्यार करता है? तुझे ऐसा लगता है? उसकी आंखों में मुझे प्यार दिखता है। तू सिर्फ देखती रहेगी या फिर उसे भी अपने प्यार के बारे में बताएगी? बताने में अभी और वक्त लगेगा। ओके तेरी मर्जी, अगर वो दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया तो? ए भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग। मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा है, इट्स अ राइट चॉइस। गीता से मिलने पर कुछ और ही फीलिंग्स आती हैं। मेरी सिक्स सेंस कुछ तो कहती है, लगता है मैं उसे बहुत पसंद करने लगा हूँ। अपने प्यार के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया तो? जब कहोगे नहीं तो ये नो पता कैसे चलेगा? तुम यहाँ सोचते रहोगे और वहाँ उसे कोई और उठा ले जाएगा, तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं तू जा। ऑल द बेस्ट। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ
सपने में मिलती है, वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है, सपने में मिलती है। पैर नीचे करके बैठ। भाई तो ऐसे बैठते हैं। ये कहीं का तोप है क्या? सीधे बैठते हैं तो पैर नीचे नहीं जाता, खा भी नहीं पाते। hey! वन स्पेशल इडली डोसा। एक प्लेट इडली डोसा स्पेशल। आज ये मेरे हाथों मारा जाएगा। मेढक की तरह घूरेगा ना तो तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। तू इतनी सुंदर नहीं देखूं क्या? मैं तेरा कबाब बना दूंगी। Hey! I'm your customer. Give respect and improve your business. ठीक है भाई। ये काटने वाला यहाँ भी आ गया। ओके, एवरीथिंग इज ओके। ओके है ना? किरण, इसे ना स्पेशल इडली डोसा चाहिए। स्पेशल चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल दोगे तो भी चलेगा। बैठ जा। बच गया। अच्छा वही चला गया, वरना जी क्या कट करता मुझे पता भी नहीं चलता। क्या है, तू क्या बोलना चाहता है? कौन हो तुम? मैं ना, मैं तेरी बहुत क्लोज। हां तो तू नहीं समझता, पागल है क्या? पहले बात क्या है बताओ। कल शाम को जेपी पार्क पहुँचो, सब वही बताऊंगी। ओके। अरे लेकिन तुम हो कौन और मैं क्यों आऊँ? अरे अरे अरे, तुम आओ तो पता चलेगा ना। आओ तो। चलो ठीक है, लेकिन मैं भला वहाँ क्यों आऊँ? तुमको वहाँ जरूर आना होगा, चुपचाप आ जाना। ये है कौन जो इस तरह से बातें कर रही है? मुझे ऐसा लगता है तू प्यार का इजहार पहले करेगी। मैं उसे पहले नहीं बोलूंगी, उसे पहले बोलना होगा। दिस इज टू मच गीता। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये सब नहीं चलेगा तो प्यार में मजा नहीं आएगा। फोन किसने किया पता ही नहीं, अब ये फूल आखिर दूँ किसको? ये बबल गम यहां कैसे आ गई? मतलब फोन इसने किया था? फोन तुमने ही किया था ना? मैंने? मैं तो डायरेक्ट अटैक करने वाली हूँ। फिर ये सब क्या है? क्लोजनेस। आई थिंक यू फेल इन लव। क्या मैं? लेकिन किससे? मुझसे और किसके साथ? तुम्हारे साथ। मैंने ऐसा कब कहा? ये गुलाब तुमने मुझ पर ही तो फेंका। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं किसी से प्यार नहीं करता। ए, तुम बहुत बड़े लल्लू हो पता है? तुम्हें एक सुंदर लड़की चांस दे रही है और तुम भाव खा रहे हो। डॉक्टर होकर मैं तुम पर फिदा हो गई हूँ और तुम अपने प्यार में चॉइस ढूंढ रहे हो। ओहो, चॉइस नहीं करूंगा, मैं भी तो एक लड़की को फूल देने आया हूँ। तेरी शक्ल देखकर तुझे कोई लड़की प्यार करेगी क्या? प्लीज प्लीज प्लीज, तुम यहाँ से जाओ यार। पर वो क्यों? अरे बाबा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, लेकिन प्लीज अभी जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है, वो बेचारी लड़की कौन है जरा मैं भी तो देखूं। मैं यही हूँ। बच गया। ऐसा लगता है कि आज मेरी सती सावित्री की परीक्षा है, देखता हूँ बचूंगा या नहीं। आइसक्रीम। ओके, चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं वो। ओके, नहीं चाहिए तो छोड़ो। अरे ये तो चूरा है। क्या क्या गिर रहा है? आइसक्रीम। आइसक्रीम ये तो किसी के हाथ में नहीं है, पिघलने वाली चीज तो पिघलेगी। ये क्या, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं हो रहा है। ओ, अच्छा लगा। कलर? किसका कलर? ड्रेस का कलर। ओ, ड्रेस का कलर। तुम क्या कुछ और सोच रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बोलने में अटक क्यों रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बताओ तुमने मुझे यहाँ बुलाया है या मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया? फोन तो तुमने किया था ना? ओ, एक दूसरे को जानने वाले फोन करते हैं। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें जानती हूँ क्या? अरे वो देखा, यहाँ तुम भी कंफ्यूज हो और मैं भी कंफ्यूज हूँ ना। वो क्या? लड़की को तो शर्माना चाहिए ना। ए, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आहा, तुमने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? अब तो मुझे थोड़ा अलग लग रहे हो। वो ना, वो क्या है, तुम्हारे अंदर कहीं कोई वीकनेस तो नहीं है ना? ये सब बताने के लिए तुमने यहाँ बुलाया? वाओ, हिम्मत बढ़ गई।
वॉइस भी स्ट्रॉन्ग हो गई। मेरी वॉइस तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा ठीक है, जो भी बोलना चाहते हो बोल दो स्ट्रॉन्गली। ये जानबूझ के पका रही है या मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पता लगाऊं? हेलो मिस्टर रोमियो, किस सोच में पड़ गए तुम? सवाल तो सारे तुम ही पूछ रही हो। तुम्हें कुछ नहीं पूछना क्या? वो ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाय। तुम भी तो कुछ बताना चाहती थी ना? हाँ मैं भी तो तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। तो वो बता के जाओ ना। अभी याद नहीं आ रहा है मुझे ना, थोड़ी इसकी प्रॉब्लम है, मैं ना अपने आप को ही भूल जाती हूँ। अब तो तुम मुझे कुछ अजीब सी लग रही हो। क्या बात है, मेरा डायलॉग मुझ पर चिपका रहे हो। कोई बात नहीं, आज जो बोलना था भूल गई, कल बताऊंगी। तुम भी कल ही आ जाना, कल ही बताऊंगी। अगर इसके बीच में तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। कोई बात नहीं, तुम ही बताओ, मैं तो सिर्फ सुनने का काम करूंगा। दैट्स गुड। यस। तुम वापस आ गई? मैं वापस कैसे जा सकती हूँ जब तक मछली जाल में ना फंसे। मैं बड़ा मगरमच्छ हूँ, किसी के हाथ में इतनी आसानी से नहीं फंसता। तो फिर गीता में ऐसी क्या बात है, वो कहीं की परी है क्या? अच्छा वो सब छोड़ो, अगर गीता ने रिजेक्ट कर दिया तो? रिजेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं है मैडम, मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है। आहा, इतना भरोसा करते हो? एक पल के लिए भी मेरा प्यार पर भरोसा कम नहीं होता। अगर उसने मना कर दिया तो? प्लीज ऐसी बातें मत करो। ए पागल, मैं क्या कह रही हूँ वो सुन, अगर उसने मना कर दिया, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ए सुनो, मुझे गीता पर भी पूरा भरोसा है और मेरे प्यार पर भी पूरा भरोसा है। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? ऐसा क्या? तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना? दिमाग खराब है? मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? चलो जाओ, चुपचाप सो जाओ। जब से जाने जा मिल गई है नजर, तड़प दिन रात है ये कैसा सर, दिल चाहे सांसों में बस जाओ तुम, बन के लहू मुझ में थम जाओ। जब से जाने जा मिल गई है नजर, तड़प दिन रात है कैसा सर, दिल चाहे सांसों में बस जाओ तुम, बन के लहू मुझ में थम जाओ।
दिल चाहे पर रुक जाए ये अभी तुझ में ही है मेरी दुनिया पूरी आंखें कहीं और टिकती ही नहीं जब से जाने जा यहां पर क्या हुआ है पिताजी? अभी तक मैं इंतजार कर रहा था कि एक ना एक दिन तू मान जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तू मुझे छोड़ के किसी और के साथ घूम रही है। मुझे बता मेरे प्यार में क्या कमी रह गई? तू एक दिन मान जाएगी इसलिए मैं रावण की तरह इंतजार नहीं करूंगा, राक्षस की तरह चाल चलूंगा। तू मुझे पसंद कर या ना कर, फिर भी मैं तुझसे शादी करूंगा। मैंने अपने जीवन में सिर्फ दो लोगों को पसंद किया है, एक तू है और दूसरी भी तू ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे और मेरे बीच में मैं किसी और को आने नहीं दूंगा, तू सिर्फ मेरी है। मेरी वजह से यह सब हुआ है ना पिताजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, बाहर का घाव तो भर जाता है बेटा, लेकिन जो घाव दिल पर लगता है ना वो कभी भी नहीं भरता। ये देख, तेरे प्यार से मुझे कोई तकलीफ नहीं है और कोई दुख भी नहीं है, लेकिन अगर तुझे तेरा प्यार नहीं मिला ना तो मुझे बहुत दुख होगा। भैया तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम गीता को घर लाओगे, तुम्हें अपना वादा पूरा करना ही होगा भैया। गीता, गीता, कौन है तू? छोड़ो मुझे, गीता, गीता, ये चुप है, छोड़ो मुझे, गीता, गीता, बैठ, गीता, गीता, ये चुप, बोला ना। अबे कौन है तू? मैं कौन हूँ अभी तक तो तू जानते नहीं, और मेरे होटल पर अटैक करवा दिया। मैंने तो सोचा था गीता से प्यार करने वाला कोई बड़ा आदमी होगा। लेकिन मेरे सामने तो तू एक बच्चा है रे। इस बच्चे की क्या रेंज है अब तक तू जानती नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तू जान भी जाएगी। ऐसा है क्या? तेरा रेंज क्या है ये जानने के लिए मैं भी बहुत उतावली हूँ। गीता कहाँ है? क्यों बताऊं? प्यार के चक्कर में पागल हो गया है तू। उससे शादी करने के लिए मेरे बेटे ने उसे किडनैप कर लिया है। ओहो, तो अब क्या एक नामर्द की तरह शादी करेगा तेरा बेटा? मेरा बेटा मर्द है या नामर्द ये जानने के लिए तुझे उससे एक बार मिलना होगा। चल जा यहाँ से। चल मैं तुझे एक मौका देती हूँ, कल ही उन दोनों की शादी है। अगर तेरे अंदर दम है ना तो मेरे बेटे की शादी को रुकवा दे। तू मुझे चैलेंज करेगी उसके लिए रुके रहूंगा क्या मैं? बेचारा, तेरा बेटा उसके शादी का मुहूर्त नहीं है, उसके बर्बादी का मुहूर्त निकाला है तूने। ए! तू एक बार मेरे बेटे से मिलेगा ना तो उसका सामना नहीं कर पाएगा। वो तुझे चींटी की तरह मसल के रख देगा, समझ में आया कुछ? अगर सही टाइम हो तो छोटी चींटी भी हाथी पे भारी पड़ जाती है। ए!
तेरी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जाया से अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तू मेरे हाथों आज यहीं इसी वक्त मारा जाएगा। मारना मरवाना तो बहुत ही आसान है, अगर मैं अपने दिल से रहम निकाल दूं ना तो मुझसे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं। अरे क्यों पका रहा है, तेरे अंदर जो दम है ना मेरे बेटे को जाके दिखा, चल जा। तेरे बेटे ने भले ही बहुतों को मारा होगा लेकिन मुझे मारने का कोई चांस नहीं है। पूरे भाईगिरी की एबीसीडी उसे मैं सिखाऊंगा। वो शादी करने गया है ना, तो इंतजार कर रही है कि वो जोड़ी आएगी, उसके अर्थी उठाने के लिए 4 लोगों को तैयार रख। अच्छा तू डरा रहा है मुझे, तो तू मेरे बेटे को मार लेगा? अरे रे 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 रे, डर गई क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मारूंगा लेकिन उसे मौत के दरवाजे तक ले जाऊंगा। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, समझे? ए चल बहुत हो गया तेरा प्रवचन, समझा? चल निकल यहां से, निकल। थैंक यू फॉर द बम्पर ऑफर। मेरी प्रेमिका गीता ने भी नहीं सोचा होगा कि वो मेरी जान है। सच्चा प्यार पाने के लिए मैंने बहुत जगह ढूंढी लेकिन असली प्यार मुझे उसमें मिला। मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ, उसमें ही मुझे असली खुशी मिलेगी। आई एम लक्की मारम्मा, अच्छा हुआ तूने मुझे जगा दिया। ए, 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 कौन है तू? कौन है तू? मैं कौन हूँ इसके बारे में पता चला ना तो तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तेरी मौत से दोस्ती हो जाएगी। सुनो, हम उसे जितना कमजोर समझते थे वो उतना नहीं है, वो उसे बचाने वहां जरूर आएगा, उसे वहीं पे काट के खत्म कर देना, समझे तुम? छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। अरे अरे अरे, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। तेरे प्यार के लिए मैं बिना काम के हेल्प करने चला आया। जिस लड़की से अपन प्यार करते हैं उसे किसी और को देने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है। मेरे त्याग पे तुझे भरोसा नहीं है? हाँ भाई हाँ, सच में ग्रेट हो बॉस। तूने मुझ पर भरोसा किया। अब तूने क्या होता है? गीता को बचाने के लिए एनर्जी चाहिए। वो सत्या गीता से कैसे शादी करता है मैं भी देखता हूँ, रुकवा दूंगा शादी। छोड़ो ना भाई, आप हीरो बनने गए, उसने आपकी शर्ट फाड़ दी, अब इस बार आप विलन बनने की बात कर रहे हो। वो गन से निकली हुई बुलेट है, मुझे नहीं लगता कि आप बच पाओगे। अब मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अपना दिमाग चलाऊंगा। मैंने प्लान बना लिया है। पागल, गन जहां नहीं रखनी चाहिए थी वहीं रख दी, कहीं गलती से चल गई ना तो पूरी दुकान उड़ जाएगी। I want lift. ऐसे लिफ्ट मांगते हैं क्या? मुझे लिफ्ट चाहिए अपने लिए नहीं, तेरे लिए, समझा? अभी भी नहीं समझा? तेरी गीता को वो सत्या कहां पर ले गया है मैं जानता हूँ। मेरे बगैर तू गीता को बचा सकता है क्या? सुन, वहां पर कोई कॉमेडी सीन नहीं होने वाला, एक्शन सीन होगा। ए, यू आर इंसल्टिंग मी। ये हंस क्यों रहा है मेरे ऊपर? ये तो मुझे सीरियस ले ही नहीं रहा यार। ओके ठीक है, ओके ओके। प्लीज बॉस, मुझे भी एक चांस दे दो ना। गीता की नजर में मैं भी हीरो बन जाऊंगा। मैं हनुमान बन के उसकी लंका में आग लगा दूंगा। प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। अभी आया ना तू ट्रैक पे, चला जा।
मैं और गीता बचपन से अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। नमस्ते। हमारे पेरेंट्स की बिजनेस पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी थी और वो दोनों उतने ही अच्छे दोस्त भी थे। वो दोनों मिलकर अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। इसी विश्वास पर उन दोनों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी गीता के नाम पर कर दी। ये सुनके बहुत खुशी हुई दोस्त। लेकिन उनकी जायदाद पर एक औरत की बुरी नजर थी जिसका नाम था मारम्मा। वो गीता की दूर की आंटी है। मारम्मा की तरह उसका बेटा सत्या भी बहुत बुरी हरकतें करता था। सारी जायदाद गीता के नाम पर होने की वजह से मारम्मा बहुत नाराज हो गई। लेकिन वो आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे जायदाद हड़पनी थी। उसकी दुश्मनी की आग में हम दोनों के परिवार भस्म हो गए। मेरी आंखों के सामने उसने हम दोनों के परिवार को जिंदा जला दिया। वो आग की ज्वाला अभी भी मेरी आंखों के सामने उठती है। अब तक जो परिवार बहुत खुश थे वो आग से राख हो गए थे। मैं सोच रहा था कि मैं अकेला हो गया, लेकिन गीता उसमें से बच गई थी। उसे देखकर मैं अपने मां बाप की चाहत पूरा करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन गांव वालों का भरोसा जीतकर मारम्मा गीता को अपने साथ ले जा रही थी। अगर अभी मैं सच्चाई बताऊं तो गांव वाले भरोसा करेंगे ये मुझे यकीन नहीं हो रहा था। गीता के लिए मैं गाड़ी के पीछे भाग रहा था, लेकिन वो मुझे नहीं मिली और वो कहां जा रही है ये भी नहीं पता था। आखिरकार भाग भाग कर मैं थक कर गिर गया। तभी एक महान आत्मा ने मुझे बचाया जो चंद्रा भाई हैं। उन्होंने मुझे पाला। एक दिन गीता मिलेगी ये मुझे भरोसा था और मारम्मा से मैं बदला लूंगा ये मैंने ठान लिया था। और तभी से ये दोनों बातें मेरे मन में हैं। मुझे माफ कर दे यार, तुम दोनों की तो बचपन में ही शादी तय हो गई थी और मैं तो बिना काम के ही बीच में आ गया। सॉरी यार, अब से ना ये हनुमान सिर्फ तेरे लिए काम करेगा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, सत्या का बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमें प्लान बनाकर काम करना पड़ेगा। ये लो। हाँ। अरे यार, एक सुपर आइडिया आया है। हाँ बोलना। नो, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। तो यही है तेरी स्वामी भक्ति। क्यों बॉस, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? ओके। कहाँ जा रहा है बे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मुझको हाथ कैसे लगाया? तेरा हाथ टूटे करम जले और तेरा पैर टूटे, लड़की को ऐसे छूते हैं क्या? क्या बोला तू, लड़की है क्या? अरे तुझे डाउट है क्या? निजरक क्या कर रही है? यहाँ क्या करने आई है? किससे मिलना है? यहाँ शादी होने वाली है ना, तो बुरी नजर हटाने आई हूँ मैं। यू नॉटी। बोलो माँ। मैं भी वहाँ शादी में आ रही हूँ बेटा। तुम क्यों शादी में आ रही हो? क्या ये असली शादी हो रही है? शादी होते ही जायदाद अपनी हो जाएगी और उसे मार देंगे। मुझे ये सब परिस्थितियाँ ठीक नहीं लग रही। कोई बगावत कर सकता है, इस सत्य के खिलाफ आज कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो तो तुझे छोड़कर किसी और से प्यार कर रही है ना बेटा। ठीक है ठीक है,
मेरी शादी घर में क्यों कराना चाहती हो? अच्छा नहीं लग रहा है। उसका बाप बचपन में अपनी बेटी की शादी इसी घर में कराना चाहता था ना बेटा, ये भी एक तरह से अच्छा ही हुआ ना। वो भी नहीं चाहता था कि किसी तरह से उसके सगे संबंधी से उसका रिश्ता जुड़े। अब जब उसकी बेटी की शादी तुझसे हो रही है, ये सब देखकर उसकी आत्मा तड़प तड़प कर रोएगी। अगर वो वहाँ पहुँचे, उसे जिंदा नहीं छोड़ना। माँ, कोई भी यहाँ पे आ नहीं सकता। अगर कोई आ गया ना तो जिंदा बच के नहीं जाएगा। ए, कौन है रे तू? कौन है वो? आ गए क्या वहाँ? खत्म कर दे उसे, खत्म कर दे। माँ, यहाँ पे कोई फालतू लेडी आई है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, होशियार रहना। ए, दूर रह मुझसे। ये सिगरेट तो बहुत लंबी है। ए, तू क्यों मुझे तंग करने आई है? हाँ नहीं तो छोड़ो राजा, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। हाँ मैं खुद ही तुम्हारे पास आई हूँ, इसीलिए तुम इतना भाव खा रहे हो ना। जा 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 यहाँ से जल्दी। मैं जानती हूँ राजा, तुम मुझे भगाना नहीं चाहते हो। जग्गा। अरे यार, इसकी तो क्या आदमी है यार, एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देता। हाँ आ रहा हूँ। ए राजा, मैं तेरा मसाज कर दूं क्या? मसाज रे, तुझे ना बहुत अच्छा लगेगा रे। क्या हुआ बॉस? लेके चल इसको यहाँ से। ए, चल बाहर चल। ए हाथ हटा, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? सीधा अंदर ही आ गया। मैं और राजा एक दूसरे के अंदर खोए हुए थे। क्यों राजा, सच कह रही हूँ ना। ए, कौन है तू? होम डिलीवरी है गुरु, बॉस की शादी है ना, तो तुम सभी को खुश रखने के लिए। क्या बात है, बॉस ने भेजा? बॉस ने ये ऑर्डर किया है। क्या है बॉस, एक ही बोतल में सब के सब लगे हो क्या? ये पकड़ो, फॉरेन का माल है, पी लो। ए, क्या देख रहे हो? दारू डालो। ए, आइस डाल रहे। एंजॉय एंजॉय। ओके ब्रदर। तुम्हारी बॉडी बहुत कड़क है राजा, तुम्हें छूने से ही मुझे करंट मारता है। ए जग्गू, देख नहीं रहा हम प्राइवेट बात कर रहे हैं, तू यहाँ खड़ा होकर सुनेगा क्या? चल जा यहाँ से, चल जा। इसकी तो हम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, है ना राजा? ए राजा, उसे जाने दो ना, मैं हूँ ना। कैसी आवाज़ है वो? तुम टेंशन मत लो राजा, वो जग्गू ना हम दोनों को देखकर थोड़ा गर्म हो गया होगा। जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता, यहीं पर आराम करो। मेरा नाम जानना चाहते हो क्या? हाँ बता बता। वसंत कोकिला। हाँ अपना बना लो ना। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी हीरोइन मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? तेरे जैसे बिल्कुल नहीं है। हा? तुम्हारी रानी से एक बार मैं मिल लूं क्या? उसे क्यों मिलना चाहती है, चल निकल। अपनी रानी से भी ऐसे चिढ़कर बात करते हो क्या, जैसे इस वक्त मुझसे बात कर रहे हो? ए मेरे राजा, एक बार अपनी रानी से मुझे मिला दे। ठीक है जाके मिल ले, जा जल्दी। जाना। गीता, किरण कैसी हो? गीता, I missed you, किरण। ए गुरु, फिक्र मत करो गीता, ये रोमांस का टाइम नहीं है, चलो यहाँ से निकलो, वो लोग जाग जाएंगे, जल्दी निकलो, चलो जल्दी। थैंक यू। राजा, तेरी रानी रानी नहीं महारानी है, वो तेरे हाथ कैसे लग गई? हाँ तू सच में बहुत भाग्यशाली है। एक बात सच्ची सच्ची बता, मेरा कोई चांस है क्या? नॉटी। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। ओह शिट। ए जग्गा, ए क्या हुआ तुझे? बोलो भाग गए, चल निकल जल्दी, चल चल उठो जल्दी। वो लड़का लड़की लेके भाग गया और तुम लोग खा पी के सो रहे हो, चलो। उठा ले इसको, पता चल जाएगा कहाँ गए वो लोग। पकड़ इसे। रुक। ए, छोड़ो मुझे, एक औरत पे हाथ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? ए मेरी साड़ी छोड़, अंदर ले उसको, मेरी साड़ी छोड़, छोड़ अरे बड़ा ले इसको, बर्बाद हो गए, बड़ा ले इसे, चलो चलो बैठो। बेटा शादी हो गई क्या? हाँ शादी हो गई है, सुहागरात मनाने जा रहा हूँ। क्यों,
क्यों तू पागलों जैसी बात कर रहा है? वो भाग गई है माँ। एक काम ढंग से नहीं कर सकता, सब तेरी वजह से हो रहा है ना। हेलो, जरा एक मिनट उस पागल टकले को फोन देना। ए राजा, मेरा गुरु तुझसे एक मिनट बात करना चाहता है। ए पागल बोल, सबको सुला के लड़की लेके भाग गया, तू मर्द या नामर्द है? अबे मैं नामर्द नहीं हूँ, तू है समझा, इसलिए तो उसे उस गेटअप में भेजकर गीता को भगा लिया। तेरे बगल में जो बैठा है ना, अब उसके साथ बैठकर ढिंकचिका करता रहे। ए, का है तू अभी बता? मैं बैंगलोर रूट पे हूँ, अगर तू मुझे पकड़ना चाहता है ना तो आकर पकड़ ले, और यही होगी तेरी मर्दानगी की परीक्षा। देख, तू ड्राइव कर या फिर तेरे ड्राइवर को ड्राइव करने बोल, भाग के आएगा या फिर उड़ के आएगा ये तुझे ही तय करना है। Choice is yours. लेकिन अगर देर हो गई तो गीता बहुत दूर चली जाएगी। ए, एक मिनट गाड़ी रोक, बैलगाड़ी चला रहा है। ए, तू अपनी मर्दानगी ना ड्राइविंग भी क्यों दिखा रहा है, मुझ पे दिखा ना। ए, ज्यादा बोलेगी ना जान से मार दूंगा। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ रे राजा। ए, अब आएगा मजा। हमें ढूंढने के लिए चाहे वो किसी भी नेटवर्क का इस्तेमाल करे, लेकिन वो हमें कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाएगा। ए, निगा, निगा, ए, निग, ए, काय ठेवले हम आगे? टिकी खोल रहे? लगता है हमारे लिए ही चेकिंग हो रही है। हाँ ठीक है ठीक है। एक छोटी सी मदद कर दो ना सर। कैसी मदद चाहिए आपको? सर वहाँ एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर में हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी शादी का कोई गवाह रहे, प्लीज सर। ओह, आ गए क्या? अरे ये सब क्या है, तुम दोनों ने शादी के कपड़े नहीं पहने, कपड़े बदल के आओ ना। पंडित जी हमारी शादी नहीं है, शादी इनकी है। किनकी? इनकी। अरे अरे पंडित जी क्या हुआ? कुछ नहीं बॉस, लड़का देखा तो सूखा बांबू लग रहा है और लड़की को देखो हाथी का बच्चा लग रही है। पंडित अपनी हद में रहे। अरे जब इसको पसंद है तो मुझे क्या लेने देना है, तो तुम दोनों इनकी शादी करवाने आए हो। एक बात बता, लड़की को तूने पटाया या लड़की ने तुझे पटाया? पंडित जी पहले इसने मुझे पटाया, उसके बाद मुझे इसे पटाना पड़ा। अरे फंस गया। हे भगवान, कैसे कैसे दिन आ गए। सुना था कि प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया कि सच में अंधा होता है। हे भगवान इसके फूटे करम, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। हे भगवान इसको बचा लेना। इनको कुमकुम लगाओ, हार पहना दो। ये मंगलसूत्र पहनाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणो ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षात मंगलाय तनो हरि, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए, आशीर्वाद लो। नहीं नहीं तुम रुक जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैं समझ गया। तुम्हें बिना मेहनत के आशीर्वाद दूंगा, तुम सदा खुश रहो। उठ जा बेटा। पंडित जी चर्च में शादी करते हैं तो बोलते हैं यू मे किस द ब्राइड, आप भी ऐसा कुछ बोलने वाले हैं क्या? हे भगवान, हमारे हिंदू संस्कार में ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटी। लड़की तो कुछ ज्यादा ही गर्म लग रही है, कल सुबह तक लड़के का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। मेरी सलाह है आज का दिन तू संभाल लेना। ए, भगवान के घर में ऐसी बातें नहीं करते। घोर अनर्थ, घोर कलयुग, घोर कलयुग। हे भगवान इन पापियों की तू ही रक्षा करना। राजा गीता को तू छोड़ दे, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी हूँ रे। हमारी शादी जल्दी हो जाए तो सत्या को सबक मिलेगा। मान लो अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो भी वो नहीं छोड़ेगा। देखो तुम चिंता मत करो, वो क्या करेगा वो मैं देख लूंगा। हेलो, गीता से मैं बहुत ही जल्द शादी करना चाहता हूँ पिताजी। इसीलिए तो तूने अभी तक इतनी तकलीफ उठाई है ना बेटा। अपने परिवार का रिवाज है धर्म स्थल मंदिर में जाकर वहाँ मंजूनाथ स्वामी का आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा, तभी वो परिवार में जुड़ पाएगी, समझे ना। कल ही तुम्हारी शादी का पूरा इंतजाम करवा देता हूँ, तुम बस लड़की को लेकर धर्म स्थल तक पहुँच जाना। ठीक है पिताजी,
चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। हेलो, क्या हाल है ब्रदर? ए, कहां है बे तू? अबे तुझे कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं है क्या? कोई भी अगर लड़की उठाकर भागता है तो भला तुझे राइट इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? वो तो मैंने जानबूझकर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अगर तेरी खोपड़ी में जरा सा भी दिमाग है तो यूज कर ब्रदर। ए, क्या है बे? बात बात में ब्रदर ब्रदर बोल रहा है। तुझे क्या मेरे बाप ने पैदा किया है? ब्रदर, भले ही हम दोनों की पैदाइश एक ही बाप से नहीं है, लेकिन प्यार तो हम एक ही लड़की से करते हैं ना। ए, मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, नेटवर्क कहाँ है ट्रेस करके बता। राजा, तेरा नेटवर्क तो पीछे बैठा है रे। स्टॉप, आई वांट माय हनीमून राइट नाउ। इस कड़कती धूप में हनीमून चाहिए? अरे कम से कम 3 बजे तक तो इंतजार करो मेरी माँ। हे भगवान, ये विरह वेदना मुझसे सही नहीं जाती। ये हनीमून मुझे अभी मनाना है। थोड़ी देर के लिए तुम कंट्रोल करो ना डार्लिंग। तू चुप कर, मुझे हनीमून अभी मनाना है। क्या करे बहन, तुम्हारी सुहागरात के लिए कहाँ जुगाड़ करे बताओ ना। नहीं ना, शादी तुमने करवाई है ना, हनीमून के लिए कार का जुगाड़ कर दो। अरे यार, अभी ने कार कहाँ से दिलाएंगे? तुम दोनों लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ऐसा इंतजाम करके दूंगा। चलो आओ। अगर आज वो पागल मुझे मिल गया ना तो उसे मैं जान से मार दूंगा, देख लेना। राजा राजा, तुम एक रेफरी हो और वो प्लेयर है, प्लेयर खेलेगा तो वही जीतेगा ना। ए राजा, दोबारा अगर तूने मुझे गन दिखाई ना तो मैं चले जाऊंगी। हाँ तेरी तो। पी पी, आराम से बैठ के पी, कुछ बाकी ना रह जाए, एक दिन मेरा पूरा घर हड़प जाएगा। इतना टाइम हो गया, अभी तक पता क्यों नहीं चला वो लोग कहाँ हैं? वो सब कहाँ हैं? हम सब ट्रेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो लोग पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे क्यों बेटा, मिली क्या वो? नहीं माँ, ढूंढ रहा हूँ उसे, अभी तक हाथ नहीं लगी। तेरे भरोसे छोड़ा ना, देखा क्या हुआ? नहीं माँ, आधे घंटे में पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ हैं, मैं उसे खत्म कर दूंगा और गीता को घसीट के घर पे लेके आऊंगा, ठीक है? चल जा यहाँ से, चल जा। ए बासा, पता चला क्या? वाओ, इनकी सुहाग रात के लिए परफेक्ट जगह लाए हो। मैं आप लोगों से एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों हनीमून के लिए जल्दबाजी कर रही हूँ। मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उसे ना ब्लड कैंसर है। वो बस एक ही महीने का मेहमान है, अब इस एक महीने का हर सेकंड मैं उसी के साथ ही जीना चाहती हूँ। प्यार में धोखा नहीं देना चाहिए, प्यार ऐसे करो कि मरने के बाद भी याद रहे। तुम जरा भी चिंता मत करो, तुम्हारा प्यार बहुत स्ट्रांग है। वो ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। ऊपर क्या चल रहा है? Oh, 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 oh,
अरे 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 सोचे अब क्या रे, अरे 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 सोचे अब क्या रे, तू ही तो धड़के है दिल में मेरे, हो जी ना सकेंगे अब बिन हाथ तेरे। छीना मेरे दिल का चैन करा, ओ मेरे दिल का हाल कैसा, तड़पू मैं बेसबर, तेरे ही सपने देखूं दिन हो गोरी चाहे रात, आजा राजा डोली लेके बन जाएगी हवा, दिल पे तेरा राज है प्यार का आज है, लड़ जाऊंगा दुनिया से तेरी खातिर जाने जा, अरे 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 सोचे अब क्या रे, तू ही तो धड़के है दिल में मेरे, जी ना सकेंगे अब बिन तेरे, अरे 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 सोचे अब क्या रे, अरे 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 सोचे अब क्या रे, तू ही तो धड़के है दिल में, जाओ मारो रे इसको, जाओ ए चल छोड़ दो मुझे, वो हमारे कब्जे में है। मिल गई, शाबाश। आजा आजा आजा, मैं भी वही आ रहा हूं, उससे शादी करके मजे उड़ाऊंगा। ये कहां से आ गया, जाओ मारो उसे। अबे देख क्या रहा है, क्या
दाद देता हूँ तेरी हिम्मत की। मरने की हालत में है फिर भी देखना चर्बी कम नहीं हुई। हिम्मत वाला तो सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन तुझ जैसे डरपोक हर पल मरने के डर से जी रहे हैं। तू तो धरती पर बोझ है। थू! मैं एक बार इनको हाँ बोल दूंगा ना तो 5 मिनट में तेरी जान चली जाएगी। तेरे सारे पिल्लों को भेज दे लेकिन मेरा पंजा कोई सह नहीं पाएगा। सबको उठा उठा के पटकूंगा। दम है तो बुला सबको। यही तेरी मर्दानगी है क्या? और तुझे गीता चाहिए? जान से मार दूंगा। तू मुझे कैसे मार डालेगा? गीता तो मेरी है, बस स्टोरी में ट्विस्ट आने के लिए मैंने खेल खेला था। लेकिन एक बात ध्यान से सुन, मुझे पैदा करने वाले माँ बाप की कसम है हमें कोई अलग नहीं कर सकता। गीता से मैं ही शादी करूंगा। तो फिर ठीक है, चल तेरे चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तूने जहाँ बोला उसी जगह धर्मस्थल पे गीता से मैं शादी करूंगा। तो उस शादी में आके दिखा, आज जीवन दान देता हूँ। उधर पे अपनी मर्दानगी दिखाना, चल निकल अब यहाँ से। सॉरी, मैं जो जबान देता हूँ उस पे कायम नहीं रहता, तो अननेसेसरी आज रिस्क क्यों लूँ? इसीलिए आज ही तुझे मार के गीता से शादी करूंगा। भाई ये तो भाग रहा है, ए, पकड़ो इसे। भाई ये देखो, इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट था क्या? ए राजा, इस तरह अगर तू अपने ही लोगों को मारेगा तो तेरे पास कोई भी नहीं बचेगा, बहुत लॉस हो रहा है रे। ए, तुम लोग क्या शूटिंग देख रहे हो? चलो गाड़ी में बैठो। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो चलो चलो। ए, तू अकेले अकेले जा रहा है, मेरा क्या होगा? हाँ, तेरे बारे में तो मैं भूल ही गया, कब से तुझे एक चीज देना चाहता था। ए कमिश्नर, उस पागल के बच्चे ने गीता को किडनैप कर लिया है, ऐसा पेपर में पब्लिश करवा दे। वो कहीं भी जाएगा ना तो लोग उसे क्रिमिनल समझेंगे, समझा ना? चलो किरण, बस थोड़ी और दूर, चलो संभाल। किरण, किरण पहुंचने वाले, बस थोड़ी दूर और। आओ। इस तरफ नहीं है, यहां से चलो। जी भाई। इधर आओ। चलो किरण, चलो यहां से। चलो, वो लोग चले गए। तुझे क्या करना है वो कर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वो लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए। हम उसे घर में लाके मारेंगे माँ। उसे घर में मारने में मजा नहीं आएगा बेटा, उसे तो वही मार दे। ले चल चल। किरण, संभालो। किरण कहाँ पर है? किरण, किरण, ए किरण, 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 किरण उठ। Thank you.
अर्जेंट में दवा लेके आई। क्या बोला उन्होंने? अर्जेंटली मुझे मेडिसिन लानी है, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। चलो। ऐसा चेस करना बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, कुछ और उपाय करो। क्या कर रहे हो भाई, प्यार में यह सब होते रहता है, हिम्मत मत हारो। चलो भाई चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेरे अंदर भी कम कीड़े नहीं है, चल चलता हूँ। किरण वांटेड है? ये तो हमारे ही हॉस्पिटल में एडमिट है ना डॉक्टर? किस वार्ड में? वार्ड नंबर 24 में। मैं यहाँ इतने टेंशन में बैठा हूँ और ये पीछे से आग लगा रही है। हेलो, हाँ माँ बोल। मिले क्या वो लोग? मिले थे लेकिन बेवकूफ बना के भाग गए। मिले थे तो गोली मार देना था ना, ऐसी कैसी बात कर रहा है? माँ मैं वैसे बहुत टेंशन में हूँ, तुझे नहीं दिख रहा है क्या? अरे तू पागल हो गया क्या? उसे तो पकड़ नहीं पा रहा है, अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता है तू। माँ मेरा दिमाग मत खराब कर, कल वो तो धर्मस्थल पे आएगा ही ना। तू उसकी बात पे भरोसा कर रहा है? भरोसा कर रहा हूँ, भरोसा करना ही पड़ेगा, वो कल जरूर आएगा। उसी मुहूर्त पे उसकी मौत होगी और मेरी शादी। हाँ और तू भी आना। सर जिसका आपने पेपर में ऐड दिया है ना, वो हमारे ही हॉस्पिटल में एडमिट है सर। बाय बाय। वो साला तो हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में? किरण किरण किरण, ओह माय गॉड, ये तो होश में नहीं है, तुमने इंजेक्शन दिया है क्या? जी हाँ डॉक्टर। ये यहाँ पर सेफ नहीं है, अर्जेंट में एक व्हीलचेयर मंगाओ। ओके डॉक्टर। गीता, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम सुनना चाहोगी? किरण कौन है पता है? तुम्हारे बचपन का साथी। सच में मैं अभी किरण से मिलना चाहती हूँ। तुम्हारा प्यार कामयाब होगा गीता। क्या हुआ भाई, वो तो यहाँ पे भी नहीं मिला। मैं उसे यही खत्म करके मॉर्चुरी में भेजना चाहता था लेकिन वो वही मरेगा। गॉड, मैंने तो किरण को अकेले छोड़ दिया था, पता नहीं किरण के साथ क्या हुआ होगा। किरण किरण कैसे? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ। गीता, वो मुझे पता नहीं, सत्य के लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, तुम्हारी जान को कुछ हो ना जाए इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बचा लाई। मुझे जल्दी धर्मस्थल पहुँचना पड़ेगा। गीता के बगैर धर्मस्थल जाकर तुम करोगे क्या? चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं धर्मस्थल पहुँचूंगा, ऐसा मैंने उससे वादा किया है। मैं भले ही अभी गीता से ना मिल पाऊं लेकिन वो वहां जरूर पहुंचेगी। मुझे किसी भी हाल में वहां जाना होगा। इस हालत में तुम्हारा वहां जाना बहुत रिस्की है। प्यार करना ही बहुत बड़ा रिस्क है, अगर वो फेस करने की ताकत ना हो तो ये जिंदगी किसी काम की नहीं। ओके, यू गेट रेडी। ओ माय डियर, जब से तुझको फर्स्ट टाइम देखा, देखते ही भाई ये आपका क्या न्याय है भाई, इसको मुर्गा दे रहे हो और हमको सिर्फ टंगड़ी।
अबे ये सुबह से लूट के 16 पैकेट मार के लाया है, इसलिए इसको मुर्गा और तुझे मुर्गी का टांग दिया। ज्यादा बात मत कर। मैं तो फ्री हूँ, लेकिन फ्री में नहीं आऊंगी। ऐसा क्या? तेरे दिल में मैं ही रहता हूँ। ये ले, रात के लिए तू बुक हो गई। गो गो। ऐसे मत कर गुस्सा। भाई फोन उठाओ ना। तू चुप कर, इसको उठाऊंगा तो खोपड़ी चाटेगा। कौन है भाई ये? अबे तू चुप कर ना। अबे क्या कर रहा तू भाई? अरे बात नहीं करेंगे तो फोन रखने का क्या फायदा, बोलो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मत उठा तू। हेलो, कौन है? मैं तू। कबाब कृष्णा। वो किधर है? इधर ही पे है। चल उसको फोन दे। भाई भाभी तो आपको बहुत इज्जत देती है भाई, बात करो। हेलो, क्या आदमी है रे तू? हाँ, मैं एक हफ्ते से फिल्म देखने के लिए तैयार होके बैठी हूँ। मैं रेडी हो जाती हूँ और तू आता नहीं है। आजकल तुझे चर्बी ज्यादा ही चढ़ गई है, निचोड़ के रख दूंगी। अरे आज मैं जरूर आऊंगा। अगर आज तू नहीं आया ना तो तेरे फोटो पे हार चढ़ा दूंगी। मेरे बारे में तो जानता ही है ना। ओके ओके। भाई लगता है भाभी आपको बहुत इज्जत देती है। भाई इसे तो ले लिया आपने, मगर बॉयलर मेरी मेहनत का, उसे मत लेना। सब गड़बड़ हो रहा है, ये भी कुछ बन गया। फिल्म दिखाने के लिए मेरे को शाम को जाना पड़ेगा। इसको भी मैंने रात के लिए बुक कर लिया है। भाई मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। बोल। आपने तो इसको फिक्स कर लिया है ना, तो मैं उनको फिल्म दिखाने ले जाता हूँ। गुरु द्रोही है तू, गुरु के घर पे डाका डालेगा, गुरु द्रोही। भाई आज के जमाने में ये सब बड़ी मामूली बात है। फॉरेन टाइप की बात है भाई। फोन उठाओ ना भाई। ए, चल चल बजने दे। फोन मिला हुआ उठा लो ना। ए, मिला फोन है या चोरी का फोन है? नहीं उठाऊंगा मैं, नहीं उठाऊंगा। टेंशन है यार। अरे टेंशन की ऐसी तैसी उठाओ। हेलो हेलो किरण, मैं गीता। तुम गीता हो, सीता हो, संजीनी हो, मैं हूँ बाबू। किसी से भी पूछो ब्लेड बाबू। प्लीज किरण को फोन दो ना। यहाँ किरण कोई नहीं है मैडम, बस फोन मुझे मिला है। ओह माय गॉड। मैडम आप टेंशन बिल्कुल मत लो, टेंशन का सॉल्यूशन निकलता ये ब्लेड बाबू। तुम कहाँ हो बता दो, मैं फोन वहाँ पे पहुँचा दूंगा। रोना मत, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। नो यू सर। पहले तुम बताओ कहाँ पे हो, मैं आ रहा हूँ ना। मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। वो मेरा वहाँ पे इंतजार कर रही होगी। क्या हुआ बे, सबके सब कहाँ भाग गए? तू क्यों नहीं भागा? पियर पीते वक्त मैं आपके साथ था, तो डंडे खाते वक्त भी साथ में रहूंगा। अब जमाना बदल गया बेटा। फिल्म में तो क्लाइमेक्स पे पुलिस वाले आते हैं। ओए पिछवाड़ा कोड़ाला दाको तो सा। मैंने अपने बाप की कसम खाई है कि मैं पुलिस की शक्ल कभी नहीं देखूंगा। काय के लिए? क्योंकि हमारे खानदान के साथ पुलिस ने बहुत अन्याय किया है। ओ तेरी फैमिली की फैमिली भी चोरी करती थी क्या? टैलेंट है सर, कला कला। तेरी कला दिख रही है चारों तरफ जो लटक रही है। ये भप्पी लहरी से मैं उधार लेकर के आया। किससे लेके आया? छोड़, चल स्टेशन। मुझे रेलवे स्टेशन आने का कोई शौक नहीं है सर। उधर पे मेरी बुलेट खड़ी है, उस पे बैठ के आऊंगा। अगर आपको नहीं जमे तो आप मेरे लिए पर्सनल हेलीकॉप्टर मंगवा दे। रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन चलना है। पुलिस स्टेशन तुम्हारे साथ चलना है सर। थोड़ा कोपचे में चलिए, कुछ पर्सनल बात करनी है। वो क्या? थोड़ा बात कर लेंगे तो दोनों के लिए अच्छा ही होगा सर। कर ले कर ले। शिष्य अब तू तो जानता कि ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। ये बात तो सच है, लेकिन मैंने लड़की से वादा भी किया है। क्या वादा किया है? वादा पूरा करने वाले सूर्यवंशम है। वादा पूरा करते करते आज कंगाल हो गया मैं। कह रहे भागने का प्लान तो नहीं बना रहा है? नहीं सर, सेटलमेंट का प्लान बना रहा हूँ। आप थोड़ा सा मुड़ जाइए। कितना? थोड़ा और। थोड़ा इधर आइए सर। ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड है, मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। चलता हूँ सर। ये सब जो तूने लटकाया है ना, ये सब भी देना पड़ेगा क्या सर? अब ये सब भी मुझे देना पड़ेगा सर, तभी तो तू बचेगा ना। चल उतार मेरे राजा। चल इसको भी निकाल। सर सर इसको मत लीजिए सर, ये मेरी माँ सरोजा देवी ने बड़े प्यार से दिया है सर, इसको रहने दीजिए। ओके ओके। अब तेरे को मैं एक काम की बात बताऊं, ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप भी मुझे चाहिए 50-50, मस्का चस्का, समझाना? बाय, सी यू। ए चला रे। मंदिरा
अब मैं चलता हूँ। I'll miss you as my life partner, but you will always be here. All the best. मेरे अंकल धर्मस्थल के ही हैं। कोई भी हेल्प चाहिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। किरण, अरे मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है अंकल। जिंदगी में कुछ हो ना हो सब चल सकता है, लेकिन पैसों के बिना कुछ नहीं हो सकता। शर्माने की जरूरत नहीं है, रख लो इसे। फोन उठाओ भाई। फोन मैं नहीं उठाऊंगा। भाई आपने लड़की से वादा किया, फोन तो उठाना पड़ेगा आपको। ऐसा है क्या? जल्दी उठाओ ना। हेलो, कौन है गीता? कौन है ये गीता? हाँ डार्लिंग, तुम हो। मेरे अलावा तुझे और कौन कौन लड़की फोन करती है? डार्लिंग ये मेरा फोन नहीं है, किसी और का फोन है। अच्छा, तो तू मुझे छोड़कर किसी और को भी मेंटेन कर रहा है क्या? ये तुम क्या बोल रही हो डार्लिंग? ए, अभी तू किधर है बता? आधे आधे घंटे में फोन करके पूछोगे कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तो मैं क्या बताऊंगा डार्लिंग? तुम बहुत तकलीफ दे रही हो डार्लिंग। पता है बहुत तकलीफ दे रही हूँ। घर आ जा, तेरे सर पे 1 किलो तेल रखकर मालिश करूंगी मैं। ऐसी बात नहीं है। हाँ ऐसी बात है, जल्दी आ। लगता है फोन वाली लड़की यही है। रुक 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 रुक। हाँ। जाकर पहले कंफर्म करो भाई। मुझे एक छोटा सा डाउट है, आप ही गीता हो ना? माय नेम इज ब्लेड बाबू, प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत दर्द वाली फिल्म की स्टोरी है, तुझे वहां कैसे लेके जाएंगे? आओ मैडम, ड्रॉप करता हूं। हो बाप रे। अच्छा तो यही है वो गीता, कहां ले जा रहा है इसको? मेरी डार्लिंग, तू गलत समझ रही है। तू गलती पे गलती करता रहे और मैं सवाल भी ना करूं तुझसे, कहां ले जा रहा है इसको? ऐसा है, ये लड़की थोड़ी तकलीफ में है, धर्मस्थल ले जाके इसकी शादी करवानी। क्या बोला? तू इससे दूसरी शादी करने वाला है? तू हरदम रॉन्ग रूट पकड़ती है। रॉन्ग रूट तू पकड़ता है। भाई एकदम करेक्ट रूट पे चल रहे हैं भाई। चुप कर। अरे सुन, मैंने इस लड़की से वादा किया, भगवान के लिए मुझे जाने। एक बात बता, तूने ऐसा वादा कितना से किया है? ये एकदम सच कह रहे हैं, ये बस मेरी मदद करना चाहते हैं। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। तू सच में हेल्प कर रहा है? हाँ भाभी, बड़ी दुखदाई लव स्टोरी है बेचारी की। भाई तो इसमें कॉमेडी कैरेक्टर निभा रहे हैं। ए, मैं सीरियस काम कर रहा हूँ, तू कॉमेडी में मत ले, समझा? मैं इस लड़की को ड्रॉप करके आता हूँ। ए, तू क्यों ड्रॉप करने जा रहा है? ये घोजू है ना, ये ड्रॉप करके आएगा, चल घर पे। अरे तो पूरा पागल है, धर्मस्थल बोलूंगा तो ये घाट के ऊपर लेकर के जाएगा, मैं खुद जाकर। पागल बोल रहा है, इसे चांस मिला तो ये तुझे भी बेच खाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। चल घर, चल। ए देख क्या रहा है, चल घर। थैंक यू सर। तू ले जा भाई, हम सूर्यवंशम खानदान के, पहली बार मेरी जुबान खाली जा रही है, तुझे इसका पाप लगेगा। हाँ हाँ सह लूंगी। हेलो पिताजी, एक्चुअली गीता कहीं खो गई है पिताजी, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ए तू उसकी बिल्कुल चिंता मत कर, चुपचाप धर्मस्थल पहुँच जा, वो भी वहाँ पर पहुँचती ही होगी।
चेक करो, बचने नहीं चाहिए, जाओ। Thank you.
आ गया, लेकिन ये तो मेरे पास है। आ, आ जा रे। तुमने जो मुहूर्त निकाला है मुझे बहुत अच्छा लगा, उसी पे हमारी शादी पूरी होगी और तेरे लिए तेरी मौत इंतजार कर रही है। हाँ तुम लोग देख क्या रहो बे, जाओ काट डालो इसको। बैल की तरह लड़की के साथ खड़ा है तू, जान से मार दे उसे। नहीं, नहीं, आ, 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 ए, वो बचना नहीं चाहिए, चल जा। किरण इसे जान से मार दो। मारम्मा, मैंने उसी दिन बोला था कि मैं इसे मौत का दरवाजा दिखा दूंगा, वो तो मैंने इसे दिखा दिया, अब ऊपर वाले की मर्जी। तुम हमारे खानदान से ताल्लुक रखती हो इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। तुमने हमारे परिवार को मारा है, किरण को तुम्हें मार डालना चाहिए था, लेकिन नहीं मारा। अब भी सुधर जाओ, इंसान बनो।